तो हाय गाइस, आज मैं आपसे नहीं कहूंगी कि वीडियो को लाइक करना या चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज आज की वीडियो में मुझे बस आप लोगों से एक बात क्लियर करना है, फिर आप लोग वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। गाइस, मंडे को मैंने एक वीडियो बनाई थी चैनल पर और उसे अपलोड की थी, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की थी कि सोहक का ब्रेकअप नहीं हो सकता या लोगों को क्यों लग रहा है कि सोहक का ब्रेकअप हुआ है। मैंने पूरी वीडियो में कहीं नहीं कहा कि मोहक सुब्बी का ब्रेकअप हो गया है। गाइस, मैं ऐसा क्यों बोलूँगी, मुझे भी बहुत बुरा लगा था जब मैंने उनके ब्रेकअप की न्यूज़ सुनी थी। और वैसे भी गाइस, पहले मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाली थी और आज वाली वीडियो भी नहीं बनाने वाली थी, बट मुझे बहुत गुस्सा आता था जब मैं किसी को वीडियो बनाते हुए देखती थी कि सोहक का ब्रेकअप हो गया है। एंड सोहक के सारे फैन पेजेस की स्टोरीज भी मैं देखती रहती थी और उनकी भी स्टोरीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग ज़्यादा कनेक्टेड है सोहक से। सुरभि एंड मोहक की हर अपडेट उनके पास रहती है, तो अगर उन्होंने कुछ शेयर किया है ब्रेकअप को लेकर तो ये बात सही भी हो सकती है। एंड गाइज, ये टॉपिक मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, क्योंकि मैं खुद भी सोहक से काफ़ी अटैच हूँ, दोनों मेरे फेवरेट हैं। बट वो वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी ताकि सोहक के फैंस में होप रहे कि दोनों का ब्रेकअप नहीं हुआ है, और यही मैं भी प्रे करूँगी कि इनके ब्रेकअप कभी ना हो और ये साथ में ही रहें, और अगर कुछ हुआ भी है तो जल्दी से ठीक हो जाए। और इसलिए मैंने उस वीडियो में आपके सामने कुछ प्रूफ भी रखे थे कि जो कि बिल्कुल सही थे, और हम सब की उम्मीद बनी रहे कि मोहक और सुरभि साथ में हैं। आप वो सारे प्रूफ मोहक एंड सुरभि के इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हैं, वो सारे फोटोज एंड वीडियोस जिसमें कि मोहक ने लाइक किया हुआ है, एंड ये दोनों हमें पहले की तरह ही साथ में हंसते मस्ती करते हुए दिखे। तो बस गाइस, आज की वीडियो में मुझे आप लोगों से यही शेयर करना था। अगर आपको मेरी बात सही लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी वो वीडियो सही थी या ये वीडियो सही है।